शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र स्थित अंतर्गत हुसैनाबाद गांव के एक घर में पालतू कुत्ते की वजह से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंगों को देखकर पालतू कुत्ता भौंकने लगा, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर घर के मालिक के साथ अन्य सदस्यों को बुरी तरह से पिटाई कर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ितों ने थाने में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पालतू कुत्ता है, अब कुत्ता है तो वो आते जाते, कोई भी आता जाता है तो उसको कुत्ता तो भौंकने न करेगा, भौंकने का आदत है, वो भुकता है तो कहता है, वही कहता है कपिल महतो का बेटा तीनों, पुराना विवाद हमको कुछ नहीं है, बार बार हमको 7 बार मार चुका है, ये लगाकर हमको 7 बार मारा है। पिछले बार भी आपसे मारपीट हुई? पिछली बार भी हमसे मारपीट हुआ था, सरपंच जो है यहाँ का हुसैनाबाद का जो सरपंच है, वो सरपंच से 2 बार समझौता हो चुका है, लेकिन सरपंच हरामी कहता है कि हम कागज हम नहीं देंगे समझौता वाला, जाओ जो करना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपने सांप तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सांपों के जोड़े को मिलते हुए देखा है? उनके मिलन का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी हैरान और रोमांचक हो जाएंगे। सांपों के मिलन का ये वीडियो गुमला का है, जहां सड़क किनारे लोग उस समय चौंक गए जब उन्होंने 2 सांपों को आपस में मिलते हुए देखा। ये दोनों सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ये पूरा नजारा एक मैदान का है, जहां ये दोनों सांप एक दूसरे से लिपट कर अटखेलिया कर रहे थे। पूरे मैदान में ये सांप यूं ही घूम रहे थे। उनके मिलन की खास तस्वीर का गवाह वहां मौजूद हर शख्स बन रहा था।